ए भाई साहब, ये क्या हो गया? जा, पूरे घर में ही पानी पानी हो गया और मेरे पास कोई छाता भी नहीं है जिसको लेके मैं जाऊं। पूरा घर देखिए डूब गए, आज तो गए। गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो अभी सुबह उठ चुका हूं और पौधों वगैरह में मैंने पानी डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक पौधा है, एक पौधा मैंने यहाँ पर लगाया, इसको पानी डाल दिया है, और एक यहाँ पर है तो इसमें भी मैंने पानी जो है डाल दिया है। तो ये पौधों में पानी मैंने डाल दिया है, उसके बाद जाता हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाता हूँ। मैंने दूध रखा है, दूध गर्म कर रहा हूँ, दूध है और पोहा है यानी कि चूड़ा है, उसको खाएंगे ब्रेकफास्ट में। उसके बाद दोपहर में बनेगा चावल वगैरह। और अभी विकास भी अपने काम पर जा चुका है, फ़ोन थोड़ा उसका ख़राब हो गया है, इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। जल्दी सुबह उठ के आज लेट उठ रहा है, 8:30 बजे उठता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है, इस वजह से ब्लॉग में आ नहीं रहा, आप लोग को दिख नहीं रहा है जल्दी। कोई बात नहीं, मैनेज करना पड़ेगा इसी तरीके से कैसे भी। तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। आज बुधवार है तो बुधवार को शॉपिंग भी, मार्केट भी लगेगी, तो उसमें भी देखेंगे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। घर के कुछ राशन के सामान लाने हैं, वो भी लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं अब आगे आप लोगों से। जल्दी से नहा कर मैं रेडी हो चुका हूँ गाइस, अब जल्दी से अपना ऑफिस का काम जो है शुरू करते हैं। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट भी है, ब्रेकफास्ट में आज है ये है पोहा यानी कि जिसको चूड़ा बोलते हैं, ये है सेव और दूध। अब इसको जल्दी से, थोड़ा सा प्रोटीन भी है इसमें, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट की बाइसेप्स की, लेकिन वो आप लोगों को ज़्यादा दिखाता नहीं, बोरिंग लगेगा। ये कैसी हवा चल रही है बाहर, जा गए वो तेरी। आंधी आ गया बहुत जोर का तेरी। ये देखो गया यार, गया काफी ज्यादा, आंधी तूफान आया चारों तरफ में। हाँ हाँ, मौसम देखो, ये देखो पॉल्यूशन से भरा हुआ चारों तरफ। हाँ तो आ रहा, लेकिन अब क्या होगा इनका, जल्दी से इनको रखना पड़ेगा। ये पौधे समेट के अंकल रख के तो चले गए हैं, लेकिन ये चारों तरफ गिर जाएगा। और इनको मौसम बहुत गंदा हुआ, उधर तूफान आंधी आया हुआ, बारिश भी होने वाला है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा। ऊपर से लाइन कट गया, लाइन कट गया, मैं ऑफिस का काम भी कैसे करूँगा पता नहीं, इन्वर्टर का नहीं यहाँ पर, देखा जाएगा। अभी जल्दी से कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं इसका। ठीक, और मिट्टी को तो मैंने यहाँ डाल दिया, लेकिन पौधों का कुछ इलाज नहीं है, पौधे को कहाँ रखा जाए, वो तो चलो ठीक है। ये तो कोई उड़ेगा नहीं, इनमें से कोई उड़ने वाला है नहीं, और इधर भी पौधे तो टूट टूट के गिर भी जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत दिन बाद बारिश होने वाला है, आज लग तो रहा है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा, धूप इतना ज़्यादा हो रहा था, तो जब बारिश हो जाए। और उधर तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना कि ये पॉल्यूशन, यही कारण है कि दिल्ली में कोई रहना नहीं चाहता। पॉल्यूशन देखिए आप, धूल मिट्टी के साथ साथ पॉल्यूशन भी है, सब छुप गया है वहाँ पर। जल्दी सब नीचे चलते हैं, अगर लाइन होगा तो काम शुरू करेंगे, नहीं तो एक घंटा लेट ही शुरू करेंगे, क्या हो सकता है। गाइस, जिस बात का डर था वो शुरू हो गया, यानी कि जो बारिश आनी थी वो आ ही गई, क्योंकि मौसम ऐसा हवा वाला था कि बारिश मिलना ही था, बारिश होना शुरू हो गई। अब पौधे भी यहाँ रख दिए हैं थोड़े से मैंने, ताकि ये भी जो है थोड़े थोड़े गीले हो जाए और इनमें पानी हो जाए। ऊपर से आप देख सकते हैं कि लाइन जो है वो कटा हुआ है, लाइन कट गया, तो ऑफिस का काम भी जो है मेरा पेंडिंग में हो चुका है। मोबाइल भी उतना चार्ज नहीं है, 20-30% चार्ज है, ज़्यादा से एक घंटा चलेगा, और लैपटॉप तो बिल्कुल 10% है। इसी वजह से जब तक बारिश बंद नहीं हो जाता है तब तक ऑफिस का काम पेंडिंग रहता है। बस आधा घंटा पहले अगर बारिश शुरू हो जाती ना, मैं बारिश में ही नहा रहता, लेकिन अभी 10-15 मिनट पहले आप लोगों ने देखा कि मैं नहा के निकला था और तब जाके बारिश शुरू हुई। तो अभी वेट कर लेते हैं, उस दिन बारिश का जो मौसम मैंने दिखाया था उसके बाद से ही तीसरी बार बस हो रहा है, नहीं तो बारिश इस महीने पता ही नहीं चला कि बारिश का मौसम कब आया और कब खत्म हो गया, इतना ज़्यादा बारिश हुआ ही नहीं था इस बार। कम से कम मेरे को दिल्ली में जब से मैं रह रहा हूँ, इस महीने, इस साल की बात कर रहा हूँ, 2-3 बार ही बस बारिश हुई, उसके बाद बारिश ही नहीं हुआ। तो ये कम से कम 1-2 घंटा आराम से गिरो, ताकि जो ज़मीन है गीली हो जाए, मौसम भी ठंडा हो जाए हमारे लिए। Thank you.
भाई साहब ये क्या हो गया, जा पूरे घर में ही पानी पानी हो गया और मेरे पास कोई छाता भी नहीं है जिसको लेके मैं जाऊं। छत पे क्या हुआ, मुझे लगता है कि नाली जो थी वो जाम हो गई है, इसकी वजह से पूरा पानी नाली से निकलने के बजाय घर में गिर गया है। पूरा घर देखिए डूब गया, आज तो गए हालत ख़राब हो गई मेरी। पूरा पानी जो है छत से और बाहर आ रहा है ये चारों तरफ। चलो इसी बहाने कम से कम सीढ़ियाँ जो है मेरी धुल गई है और ये पानी पानी हो गया। दिल्ली में रहने का आप लोग देख रहे हैं ना, दिल्ली में रहने का फ़ायदा कितना है, यही फ़ायदा है, बारिश के मौसम में ये हाल हो जाता है। ये अब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फ्लाइट में नहीं, कोई झुग्गी वाले घर में रह रहा हूँ, वहाँ हो गया। अब छत पे अब मेरे को भीगना तो कैसे भी पड़ेगा ही, मोबाइल लेके मैं कैसे जाऊँ ये सोच रहा हूँ कि इतने पानी गिर रहे ऊपर से, मोबाइल लेके जाऊँगा मोबाइल भी भीग जाएगा और कुछ है भी नहीं, मैं बस खाता वगैरह जिसको लेके जाऊँ। यार भीगना तो पड़ेगा क्योंकि नाली जाम हो गया, पूरा घर गंदा हो गया। गाइस तो क्या करते हैं, नहाना तो पड़ेगा ही, तीन गिनते हैं और फिर जाते हैं नहाने के लिए, एक दो तीन। जैसा कि आप लोगों ने देखा अब मैं जा रहा हूँ इसमें नहाने के लिए, पानी भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिर रहा है और छत पे नाली जाम हो गई थी, इस वजह से पूरा पानी का पानी चारों तरफ से आ रहा है, आप लोग देख लीजिए। जल्दी से जाता हूँ और नहाना पड़ेगा दोबारा से, क्या करें ऑफिस का काम भी रुका हुआ, तो जल्दी से मैं नाली साफ करके और उसमें जो जाम था उसको हटा के आता हूँ, फिर पानी उधर गिरने लगेगा उसके बाद छत पे जाकर नहाएंगे। जल्दी से आप लोग घर अंदर में रहिए, मैं आता हूँ करके। गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पानी का क्या हाल हुआ है। आराम से धीरे धीरे करके हमें आना पड़ेगा इधर, इससे आना पड़ेगा इधर, अब इधर पार हो गए हैं। ये देखिए पानी कहाँ पे जा रहा है, भाई जो मेरा भीग जा रहा है, अब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे तो चले जाएंगे आराम से क्योंकि इतना ज़्यादा दिक्कत है नहीं। यहाँ पर जा रहा हूँ, पानी साफ कर रहा है, ये देखो ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये देखिए उसके बाद देखिए क्या हुआ। ओके ये क्या हो गया है, ये देखिए चारों तरफ पानी पानी भर गया है। अब इसको पानी निकालने का एक ही तरीका है, इसको करें बंद और अब देखिए पानी कैसे निकलेगा। ये जाम हो जाता है ना, इसकी वजह से पानी निकलने लगता है। पानी निकलने देते हैं, अभी पूरा छत जो है वो गंदा हो गया है, पानी पानी हो गया, टंकी में भी पानी भरना है गाइस। अबे यार ये तो जा ही नहीं रहा, उधर जा, उधर जा भाई, उधर जा, उधर जा, उधर जा, उधर जा, पानी भरते हैं इसमें। इधर पौधों के लिए पानी हो गया, चारों तरफ पानी पानी, इधर भी पानी पानी गंदा, देखते हैं गाइस क्या होता है। आज तो पूरा हालत ख़राब हो गया, पूरा घर भीग गया, ऑफिस का काम भी छूट गया, बारिश की वजह से जो होना था सारा कुछ हो गया, डूब गए हम। तो देखा आप लोगों ने ये हालत हो गया है, पूरा पानी पानी हो गया है, तो जल्दी से अब इसकी जो है साफ़ सफाई भी कर देते हैं, पूरा पानी जो है उसको नीचे पहुँचा देते हैं साफ करके। साहब ये क्या हुआ है, ये देखो पानी पानी भर गया है, अब इसको कैसे निकालो। ये है हालत गाइस दिल्ली में रहने वालों की, ये मौज है, आप भी आइए दिल्ली में काम करिए, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे रहने में, ये हालत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हर किसी के घर में ना ये जो है खुला हुआ रहता है, क्योंकि इससे कभी सामान ऊपर ले जाना हुआ तो वो जा सकता है। बाकी बारिश ने ऐसी हालत ख़राब कर दी, आज तक पहले कभी नहीं हुआ है, आज ही हुआ ऐसा हालत। साफ सफाई भी इतना ज़्यादा हो गया, ऑफिस का काम भी बंद हो गया क्योंकि लाइन अभी तक आया नहीं है, देखते हैं जो होगा, आज देखते रहिए। गए पोपट पूरा का पूरा, बारिश की वजह से पूरा पोपट, जो भी होगा क्या, अब नहाना तो दोबारा पड़ेगा, फिर ये एक पानी से नहा दिया, अब एक साफ पानी से नहा देते हैं, उसके बाद जो होगा मोबाइल भी भीग के जल्दी से उसको साफ करते हैं जाके। गाइस तो दोबारा से मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, बार बार नहाना पड़ा और यहाँ पे साफ सफाई भी कर दी, जितना भी पानी था यहाँ पे आप लोगों ने देखा सब साफ कर दिया मैंने, इधर भी सब साफ है, इधर भी साफ हो गया और ये सारा भी साफ हो गया, चारों तरफ क्लीन है अभी, लेकिन लाइन आया नहीं है, अब लाइन आएगा तो ऑफिस का काम शुरू करूँगा क्योंकि वाईफाई तो उसी से चलेगा। दिक्कत है यार, एक बारिश ने सारा कुछ अभी बिगाड़ दिया।
लेकिन मौसम भी ठंडा हो गया, इसीलिए मैंने शर्ट डाल दिया है क्योंकि अभी ठंडा लग रहा है, ठंडे की वजह से जल्दी से शर्ट डाल लिया। मौसम भी अभी क्लियर हो चुका है, बारिश बंद हो गया। अब देखते हैं 10-15 मिनट में अगर लाइन आ जाता ऑफिस का काम शुरू करते हैं। भूख भी लग गई क्योंकि इतना ज़्यादा काम कर लिया, जल्दी से फिर कुछ खाना पीना भी बनाता हूँ, मैगी भी है, मैगी बना के उसको खाते हैं, फिर ऑफिस का काम शुरू करेंगे।